नवीन शाहदरा जिले के दिलसाद गार्डन मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। इन 2 दिनों में 10 प्रवक्ताओं ने मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को भाजपा की कार्यशैली और पार्टी के उद्देश्यों को भलीभांति समझाया। रविवार को प्रवक्ता सुनील विष्ट के साथ अन्य प्रवक्ताओं ने भाजपा की सभी योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण प्रवक्ता सुनील जी ने कहा कि भाजपा अपने हर कार्यकर्ता को इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से जानकारी देती है, ताकि वे जान सकें वो जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन पर पर्यावरण प्रबंधन समिति चेयरमैन व स्थानीय पार्षद वीर सिंह पवार और पूर्व मंडल अध्यक्ष रामपाल सिंह ने कहा कि इस 2 दिवसीय तरह के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखा है। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही परिपाटी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण केंद्र आरंभ करती है। उसी के सिलसिले में ये अपने 2-2 दिन के प्रत्येक मंडल में ये प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं की रीति नीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है उसके बारे में बताया जाता है। कार्यकर्ताओं को हमारे जो देश के जो हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, उन्होंने जो हमारे सामने विचार व्यक्त किए और हम उन विचारों पर चल रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र के अंदर सरकार ने जो भी योजनाएं गरीबों के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए या जो पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो योजनाएं लागू की हैं पिछले 6 साल में, उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला है। और ये कार्यकर्ता गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आवश्यकता पड़ेगी तो घूम घूम कर जो 6 साल के अंदर जो विकास कार्य अंत्योदय योजना के अंदर हुए, सब कार्यकर्ताओं का ये मार्गदर्शन करेंगे, लोगों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश के आदेश से, नवीन सादरा जिला के जिलाध्यक्ष के आदेश से 2 दिवसीय या सत्र यहाँ पर लगा, और जिसमें 10 सेशन हमारे हुए और अलग अलग भौतिक देने वाले नेताओं ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें कार्यकर्ता का सर्वांगीण विकास हो, संघ से लेकर के और आज 2020 मोदी जी की सरकार के कामों को लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में ये सब बताया गया। और कार्यकर्ता तन्मयता से हर सत्र में 100 से 110 की संख्या रही, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, कुछ नए कार्यकर्ता भी जो अभी मंडलों में जो गठन हुआ था उसमें आए, और लगातार बैठ करके मुझे खुशी इस बात की कि उन कार्यकर्ताओं ने अपने नोटबुक में नोट किए और अपनी बात को तन्मयता से सुनते रहे, अधिकारियों की बात सुनते रहे, बौद्धिक सुनते रहे और उसको लिखते रहे। अपने मंडल के जुझारू निगम पार्षद और जुझारू युवा मंडल अध्यक्ष विकास हांडा जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, और उनके दोनों महामंत्रियों को, उनकी पूरी टीम को। इतना बढ़िया इस मंडल में जो हमारा वर्ग प्रशिक्षण शिविर लगाया उसका इंतजाम किया है। मैं मंडल के पदाधिकारियों को, पवार साहब को और विकास हांडा जी को इसके लिए विशेष बधाई, और उसके पात्र हैं वो। और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह रहा है वो देखने गए, हमारे सभी सत्र पूर्ण रूप से 10 सत्र 5 सत्र कल हुए थे, 5 सत्र आज हुए, पूर्ण रूप से सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से ध्यान से सुनाया, कभी भी कोई भी बीच में कोई चर्चा नहीं हुई, प्रॉपर तरीका से कार्यकर्ताओं से सुना। और मैं इस बात के लिए अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमारे जो वक्ता भेले, उद्बोधन करता बोले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी की योजनाओं एवं कार्यशैली के बारे में समझा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बारे में जानकारी हासिल करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उन्होंने बहुत जानकारी हासिल हुई है। मंडल अध्यक्ष विकास हांडा ने मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर समय समय पर आयोजित होने से कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी के प्रति लगाव और कार्य करने की क्षमता को बल मिलता है। सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मंडल अध्यक्षता संभालते ही कुछ ही टाइम में
ये हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली जो पूरे दिल्ली के अंदर जो है प्रशिक्षण शिविर चलाए गए, और उसमें एक जो दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाने का मुझे भी मौका दिया गया। मैंने अपने मंडल के साथ मिलके दो दिन का ये प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया और मुखर्जी स्कूल के अंदर, जिसमें हमारे पास दिल्ली प्रदेश और अलग अलग जगहों से हमारे पास अलग अलग वक्ता आए जिन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। जो प्रशिक्षण शिविर लगाया है, ये शिविर इसीलिए लगाया है कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा स्रोत पैदा हो और ये तरह तरह की जो भ्रम पैदा कर रही है सरकार उसके बारे में उन तक जानकारी मिले, और जो हमारे राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी और इनके नेतृत्व में जो हमारे जो आज तक के जगह जगह ये प्रचार प्रसार चल रहा है कि हम इसको जो सीएम हमारा बना हुआ है इसको जो तरह तरह इसकी उस जो खामियां हैं उनको उजागर करने के लिए हम तरह तरह से ये शिविर लगा के और उनकी कमियां गिनाते हैं और प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं उनको उजागर करते हैं। यह दिलशाद गार्डन मंडल में मुझे सहप्रमुख बनाया गया था प्रशिक्षण शिविर का, और ये ज़रूरी इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता रहे और उनको पार्टी की रीति नीति और सब कार्यक्रम बताए जाते हैं कि किस बेस पर हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, जो राष्ट्रहित के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिससे हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की उसमें यह है कि हम लोग सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं, देश को ज्यादा महत्व देते हैं। कार्यकर्ताओं की माने तो इस दो दिवसीय शिविर में शामिल होकर उन्हें जो सीखने को मिला उससे उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि वे जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाह, दिल्ली।